चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज बारिश से गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबकर तीन महिलाओं की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। मलबे में दबे लोगों को निकालने में पुलिस जुटी हुई है। बिछवा क्षेत्र के अंजनी गाँव की घटना बताई जा रही है, जहाँ पर बारिश की वजह से दो मंजिला मकान का मलबा गिर गया है और कई लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार प्रयास लोगों को बाहर निकालने के, साथ ही मलबे में दबकर तीन महिलाओं की मौत भी हो गई है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। भारी भीड़ मौके पर मौजूद है, कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। बारिश की वजह से ये दो मंजिला मकान जो कि ढह गया है। अवनीश मिश्रा जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अवनीश, बताया जा रहा है कि तीन महिलाओं की मौत हो चुकी है हादसे में और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है मलबे में। कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के पूरी घटना है, जहां अलग से रही तेज बारिश के चलते एक मकान दो मंजिल का था वो भरभराकर गिर गया और मकान में तीन महिलाएं जो है मौके पर थी, उनकी दबकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकान में जो बच्चे थे उनको साकुशल तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। सूचना मिलते ही गांव के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर महिलाओं को निकालने का प्रयास जारी रहा, लेकिन महिला मलबे में इतनी दबी थी कि उनको नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन जिले के जो अधिकारी है वो मौके पर आए और जेसीबी की मदद से उन महिलाओं को निकाला गया। महिलाओं को निकालने के बाद उनका पंचनामा भर मैनपुरी पोस्टमार्टम के लिए, अगर बात करें तो इसमें कोई घायल अभी तक नहीं है, क्योंकि जो बच्चे थे उनको साकुशल तरीके से बाहर निकाल लिया गया। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए वही मकान है जो दो मंजिल की इमारत थी, घर बनाकर ये नीचे गिर गया, लेकिन उसमें तीन महिलाएं जो है वो दब चुकी थी। हालांकि महिलाओं को भेज दिया है, माहौल जो गाँव का है वो बहुत गम का माहौल है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, देखो महिलाएं जो है बहुत गम के माहौल में है, साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके जो है परिवार जो है वो बहुत दुखद घटना है। हालांकि रहा कि जो यहाँ पुरुष थे, जो उनके लोग थे, वो सुबह सुबह अपने खेतों पर दाँत मारने के लिए चले गए थे और बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए स्कूल चले गए थे, तो तीन महिलाओं की ही केवल मौके पर दबकर मौत हुई है। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाइए कि जहाँ पर ये दो मंजिला मकान है ये गिरा है। इस वक्त मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात हैं। इसके साथ ही एक बात और, क्या इस मकान में कौन कौन लोग थे, यानी कि परिवार एक ही परिवार के सभी लोग हैं या अलग अलग परिवार रहते थे, क्या है जानकारी दीजिए। देखिए बताया जा रहा है इस मकान में दो परिवार रहते थे और एक ही परिवार के लोग थे, एक नीचे रहता था एक ऊपर रहता था, लेकिन जो नीचे महिला है वो सुबह खाना बना रही थी, उसकी माँ जो है उसके बच्चे को लेकर घर के बाहर निकल आई थी, लेकिन जो बहू है जो माँ जो बच्चे को लेकर आई उसकी बहू वो घर में खाना बना रही थी। अचानक से मकान गिरता है और नीचे जो बहू खाना बना रही थी वो दब जाती है और ऊपर जो दूसरा परिवार रहता है उसमें दो महिलाएं थी वो गिर जाती है और तीनों महिलाओं की नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो जाती है। आपको तस्वीर में एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, न्यूज स्टेट लगातार इस घटना को लेकर पल पल की आपको अपडेट दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन प्रयोग से कहूंगा पास चलकर सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो है मकान में रखी हुई चारपाई और जो पंखे हैं वो देखिए किस तरीके से दबे हुए हैं। ये चारपाई जो है वो उसका लेंटर है उसमें दबे हुए, तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब चारपाई जो है इस तरीके से उसमें टूट चुकी है तो यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी कितनी बड़ी दर्दनाक मौत हुई होगी। यहाँ जो सामान है देखिए अनाज है, घर में रखा हुआ गेहूं वो भी पूरी तरीके से यहाँ बर्बाद हो चुका है, बेकार हो चुका है और ये जो घर में रखा हुआ सामान था वो दब गया है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं ये चारपाई की जो कंडीशन देखी जा सकती है उस चारपाई के हिसाब से ही पता लगा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं उनकी दर्दनाक मौत हो सकती है। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।